तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आज से आगाज। शाह महमूद कुरैशी पहली गिरफ्तारी देंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि लाहौर से जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और सैकड़ों कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। हम भी देखते हैं कि ये कितने लोगों को जेलों में रख सकेंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आज से आगाज होने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी पहली गिरफ्तारी देंगे तहरीक इंसाफ की जानिब से और फवाद चौधरी का कहना है कि लाहौर से जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। हम भी देखते हैं ये कितने लोगों को जेलों में रख सकते हैं। आज जो हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग अभी जो है वो खत्म हुई है, उसमें एक अहम फैसला ये किया गया है कि सारी पार्टी जो है वो जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया कि वो कल ही गिरफ्तारी देंगे और कल से ये सैकड़ों कारकुन जो हैं वो अपनी गिरफ्तारियां देना शुरू हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का जो बयान है कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, ये बयान एक सही सिम्त में एक कदम है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से जो टिकटों की अनाउंसमेंट्स हैं वो भी शुरू कर देंगे। कल जो लाहौर ने किया है, जिस तरह का इस्तकबाल इमरान खान का, उसने यहाँ पे नींदें उड़ा दी। तोशाखाना केस में जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बुला लिया है, मुझे भी बुला लिया है, उसके बाद बेगम साहिबा को भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। तो मैं इनसे ये कहूंगा कि आज ही तो चेयरमैन नैब ने आपके इस रवैये के ऊपर इस्तीफा दिया है, घर का बेदी बन के उसने लंका ढा ली है, उस पर कुछ शर्म करें। PDM जो है उसको अपना नया नाम फरारी कर लेना चाहिए, जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ से वो भाग जाते हैं।